अभय नहीं मंगू प्रकट हुए, दिखाई ताकत, न चोरी न डकैती न मारपीट, फिर भी प्रशासन कर रहा जिला बदर की कार्रवाई, लगाया आरोप। सिमरिया के अकौनी गांव में 18 जून को रंजीत कोल की मौत के बाद अगले ही दिन एक दूसरे व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। प्रशासन उसी को मुख्य आरोपी मान रहा था। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा और उनके कांग्रेसी साथियों सहित विपक्षी दलों के अन्य नेताओं ने खूब हंगामा किया था। पुलिस प्रशासन को मौके पर काफ़ी जलील भी होना पड़ा था। चुनावी साल होने की वजह से राजनैतिक उठापटक कुछ ज़्यादा ही तेज है। जिनके घरों में मौत हुई उनको कुछ मिला या नहीं, यह शोध का विषय हो सकता है। हाँ, यह जरूर है, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 5 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने पुलिस वालों से मारपीट के आरोप लगी, जिसमें कुछ गैर जमानती धाराओं के साथ सिमरिया थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उनकी तलाश प्रारंभ कर दी। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू पर रीवा अस्पताल में रजोल कोल के पोस्टमार्टम में बाधा डालने का आरोप लगा। पुलिस ने शासकीय कार्यों में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास तेज कर दिया। दोनों नेता भूमिगत हो भोपाल दिल्ली पहुंच गए। अभय मिश्रा की तबीयत खराब हो गई, वो दिल्ली पहुंच गए। वहीं मंगू अपने समर्थक और नेताओं के साथ रीवा की सड़कों पर उतर आए। बुधवार की सुबह से ही रीवा की गलियों में कांग्रेसी झंडे नजर आने लगे। कांग्रेसी मानस भवन के बगल में एकत्र होने लगे। यहाँ से वो जुलूस की शक्ल में शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौराहा, साईं मंदिर होकर वेंकट भवन के पास पहुँचे, जहाँ पर उन्हें पुलिस ने रोक दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में DIG को ज्ञापन सौंप कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी दी। उन्हें यहाँ से विवेकानंद पार्क लाया गया। पुलिस के अनुसार लगभग 500 लोगों ने गिरफ्तारी दी, वहीं कांग्रेसी यह संख्या हजारों में बता रहे हैं। झगड़ा संख्या बल का नहीं, झगड़ा लोकतंत्र में विरोध प्रकट करने के तरीके को लेकर था। जहां अभय मंगू को लेकर कांग्रेसी सड़कों पर थे, वहीं भाजपा विधायक ने इस मुद्दे को अपने ही मंत्री के साथ जोड़ दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा की। आज के घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा है यह मुद्दा जल्द थमने वाला नहीं है। अब देखना है मंगू के रीवा पहुँचने पर यह माहौल था तो जब अभय रीवा आएंगे तब क्या होगा। रीवा दर्शन इस खबर पर आगे भी नजर बनाए रखेगा और आपको पल पल की जानकारी देता रहेगा। नहीं बंद रही, अभी थोड़ा हम टाइम नहीं पा रहे हैं पहुँचाने की। हम कोई अपराधी नहीं है और कांग्रेस परिवार का कोई भी सदस्य अपराधी नहीं है। वो गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखता है। आपके ऊपर चोरी, मारपीट, हत्या, इस तरीके के कितने मुकदमे दर्ज हैं जो मेरे ऊपर एक भी अपराधी मुकदमा दर्ज नहीं है। मैं अब भारतीय जनता पार्टी और विकास पुरुष से 5 सवाल में पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल है
कि सांसद और जनपद अध्यक्ष कलेक्ट्रेट के सामने धरने में बैठे, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। बनकुइयां मार के भ्रष्टाचार को लेके सांसद धरने में बैठे, रोड में बैठे, उनके ऊपर उस समय FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। 150 गायें गौ माता लक्ष्मण बाग के अंदर शांत हो गई राजेश पांडे की लापरवाही के अंदर। आदरणीय अजय सिंह जी ने न्याय की बात की, कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, प्रतिपक्ष नेता हैं हम लोग के साथ, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। सांसद का पुत्र पूरे मीडिया के अंदर आया कि तिरंगा झंडा जो उसने उल्टा फहराया था उसके ऊपर FIR दर्ज हुई। न्याय में आँख बंद करके ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और सत्ता के जो दलाल हैं जिसमें पुलिस शामिल है, ये लोग सिर्फ विपक्ष और आम जनमानस के लिए हैं। अपनी जब बात आती है तो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होते। किसके इशारे पर ये किया जा रहा है? ये विकास पुरुष के इशारे पर किया जा रहा है। मेरे ऊपर 16 मुकदमे दर्ज किए गए, मेरे दोनों छोटे भाइयों के ऊपर अभी जो दबाव बनाया गया। भाई 2017 का मुकदमा अगर था तो आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया? मैं तो सड़कों पर आप लोगों के ही बीच था, अस्पताल में था, मंडी में था, 32-32 घंटे मैं मंडी में बैठा हूँ, उस समय गिरफ्तार करते। ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि नए SP साहब आते हैं उनके ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर पड़ता है? वो SP साहब जाने, आदरणीय विकास पुरुष जाने। प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा और जेल ले जाएगा, अस्थायी जेल बनाई है वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा और फिर के बाद गिरफ्तारी दी गई है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी सूची तैयार की जा रही है, लेकिन मेरा अनुमान है कि लगभग 500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।